क्या नाम है, जिस चीज का हमें इंतजार था फाइनली वो दिन आ चुका है आज। प्लान ना कुछ सही नहीं लग रहा है मेरे को। यार भाई का हैप्पी बर्थडे आज। अरे अरे ब्रेवो भी आई है, देखो हमारा दोस्त ब्रेवो। हेलो बोल दे। हेलो भाई, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर से अपने दोस्तों के साथ। एज यू नो महेंद्र भाई का बर्थडे है, तो भाई ट्रीट दे रहा है बाहर। वैसे तो बोल रहा है वृंदावन चलेंगे, बाकी दोस्तों कहाँ जा रहे हैं हम, वो भी वृंदावन में पता नहीं है, कहीं और ही लेकर जाएंगे। हमारे दोस्त जो वृंदावन बोल के कहीं कहीं और ले जाते हैं। अभी 5:16 भाई पीछे जो बैठे उनको भी दिखा दे यार। भाई मैंने भी दिए पैसे तो फोटो भाई वीडियो ये हमारी जर्नी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और देखते हैं अभी फिलहाल तो हमारा जाने का एक उसके बाद कहाँ जा रहे हैं उसका बिल्कुल नहीं पता। तो बस यही से हमारी जर्नी है जो हमने सुबह स्टार्ट कर दी है। बाकी ये इन्होंने पैसे दिए हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं तो देख लेते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं भाइयों? ये भी हमको कम मिलेगी। कुछ बोलना चाहोगे? हमने इन सबको उठा दिया, हम तो नहीं, इसने उठाया 3:30 उठा दिया और सबको इकट्ठा करा। इकट्ठा करने में इनको 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि 1.5 घंटा ऐसे लगा कि ये जो है ये उठता नहीं है जल्दी। मैं ना तुमको एक बात बोलूंगा, सबको बुरी लग जाएगी, वीडियो में नहीं बोलना चाहता, वीडियो खत्म हो जाएगी, मैं फिर एक बात देखो भाई ये बोलना चाहता है कुछ, मगर बेइज्जती होगी हमारी और सबको पता चलेगी तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम अपनी बेइज्जती खुद सुन लेते, आपको नहीं सुनेंगे। बाकी मिलते हैं अभी के लिए, बाय बाय। ताजमहल जाने वाले और आज बाय द वे संडे है, तो भाई ताजमहल से पहले लेने वाले होटल में रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर हम ताजमहल विजिट करेंगे। हमने डिस्टेंस कवर कर लिया 100 किलोमीटर अप्रोक्स, CNG अभी भी 2 पॉइंट है, तो हमें देखते कितना टाइम लगता है। 5 बजे निकले जैसा आपको दिखाया, और मौसम ना अभी भी क्लियर नहीं है, फॉग है, पॉल्यूशन है, क्या है है, जो भी है मजा आने वाला है बहुत, और मजा आ भी रही। भाई मजा आ रहे नहीं आ रहे? पैसे दिए हम ना अपने साथ अकाउंटेंट को भी लेके चल रहे हैं कि ना भसड़ ना हो बाद में, भसड़ इतने से लोकल लैंग्वेज में दिक्कत ना हो भाई, क्योंकि ना भाई क्या होता है, हमने एक ग्रुप बनाया खर्चा बातचीत आगरा, तो उसमें भाई जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसमें ड्रॉप कर दे रहे हैं, और अकाउंटेंट को भी ऐड करें हमारे मनीष भाई, वो हिसाब रखे हैं किसको कितने देने हैं भाई, बिल्कुल इंस्टेंट देते हैं भाई साहब, दिखाएंगे आपको अभी मिलवाएंगे, पहले भी ब्रेक लेते थे, प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिलवाते अपने अकाउंटेंट भाई का। तो भाई हमने ना एक शॉप लिया है और वो भी कहीं नहीं, ऐसी जगह ले लिया अपन ने, क्यों लिया भाई बता जरा? नेचर कॉलिंग। नहीं नेचर कॉलिंग तो थी, पर भाई का कपड़ा लेने भेजा उसने 30 रुपए का नुकसान करा था, 300 रुपए का भाई एक डस्टर था वो भी गिरा दिया मनीष ने, आता है ना मिलवाते हो ये गाड़ी अपनी गाड़ी और दिखा दे, अगर घूमता है तो वो क्या लड़का, वो पीछे आपको दिख रहे हैं दो बंदे जा रहे हैं जो वही है, ये है वो भाई, ये है भाई वो, हमें लगा था भाई का इंट्रोडक्शन हमें इस तरह मिलेगा।
भाई भाई कहाँ जा रहा है? गाड़ी स्टार्ट कर। ये भाई ने कपड़ा ये वाला डस्टर फेंक दिया था, और ये है मनीष भाई, ये है हमारा मनीष भाई, मेरी डस्टर लेकर आ गया है भाई। थैंक यू भाई, भाई थैंक यू भाई, भाई थैंक यू भाई। रात के हथ गया तो गया भी नहीं, तेरा दोस्त है ये तो गया भी नहीं, अकेले गया था तू। अरे बैग बैग हो जाता, यूटर्न लेकर आऊँ, फिर यूटर्न दूर था। भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अरे भाई इसका नाम भाई, फाइनली ब्रेक लिया, ब्रेक के लिए सीएनजी पंप के लिए रुके क्योंकि सीएनजी खत्म हो गई थी 10 किलोमीटर पहले ही, तो ओवरऑल हमारी चल रही है 160 किलोमीटर, खैर ज़्यादा चलती तो भाई चली इसलिए नहीं क्योंकि भाई हम क्रूजिंग करते 130-140 तो एवरेज कहाँ मिलने वाली है, बस तो कम चली 180 तो ईजिली चलती, और लाइन देख लो कितनी सारी है भाई सीएनजी की, देखो कितना टाइम लगने वाला है भाई, मुझे तो लग रहा है आधा घंटा तो यही लग जाएगा, खैर जितना भी टाइम लगता है बातें सीएनजी, और फ्रेश वगैरह भी होते हैं, फ्रेश भी नहीं हुए थे, और बैक साइड है हमारे फूड कोर्ट, तो वहीं पे कुछ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, और उससे पहले होंगे बैठे भी हम पेट्रोल पंप बैठे हुआ, नहीं हम पेट्रोल प्लस सीएनजी पंप बैठे हैं, बैठे हुआ और वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, गाड़ी के लिए अपनी बारी कब आएगी, सीएनजी डलवानी है, गाड़ी आएगी नहीं तो बारी आएगी, चार गाड़ी के बाद फाइनली तकरीबन 15 मिनट हो चुके ऑलरेडी, हमें अभी 5-7 मिनट और लगने वाले हैं, और भाई यहाँ पे जो सीएनजी का रेट भाई क्या कितना रेट हो गया अभी सीएनजी का, मतलब यहाँ जो रेट है ना वो पेट्रोल वाला रेट चल रहा है जो हम पेट्रोल भरवाया करते थे 5 साल पहले, 70 रुपीज पर केजी गैस, मतलब सीएनजी के इतना रेट हो गया है बस। तो भाई अब देखते हैं, अपना जो सिलेंडर पूरा एम्प्टी हो चुका है क्योंकि मात्र 160 किलोमीटर चली अपनी गाड़ी, बहुत ज़्यादा बढ़िया एवरेज नहीं है लेकिन फिर भी 160 ठीक है, बहुत ठीक है हमारे लिए, 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, 20 किलोमीटर पेट्रोल में चलाई, तो अब देखते हैं अपनी गाड़ी में गैस कितनी आती है, है ना, 600-700 रुपये की तो आई है ना, हमसे देखते हैं भाई दिखाते हैं आपको। अपनी मैगी आ चुकी है, मैं तो भाई मैगी ऑर्डर की थी और भाई ने ब्रेड पकोड़ा भाई तो खा लिया, मैं शक्ल देख रहा था इसकी, खाने नहीं थी, अब मैं अपनी मैगी खाऊंगा, मैगी अच्छी दिख रही है ना। फ्री ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है तो अब ना स्टॉप लेने वाले सीधा अपन होटल में, अब होटल कौन सा रहने वाला है भाई, ये अपना पुराना होटल मैपल गोल्ड, भाई 3-star amenities वाला, दिखाने वाले आपको उसका रूम टूर भी, तो फटाफट चलते हो कि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, अपना वैसे एस्टिमेटेड टाइम था 9:00 पहुंचने का और अभी 9:00 तो दरी बची है, अभी भी तकरीबन 1.5 घंटा लगने वाला है, तो क्या कोई बिना देरी के फटाफट से पहुंचते हैं आगरा। हमने पहले मैपल गोल्ड ट्राई करा जैसे पहले मैंने आपको बोला था, तो लेकिन वहाँ पे जो कह रहे हैं आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे क्योंकि आप 5 मेंबर्स तो एटलीस्ट 2 रूम्स लेने पड़ेंगे, तो भाई हमने कहा यार हमें एडजस्ट कर लेंगे, तो वो डिनाई कर रहे थे कि उनकी पॉलिसीज़ वगैरह है, तो फिर हमने ढूंढने के बाद फाइनली हमें एक होटल मिला, और पता है सबसे बड़ी बात 2 रूम ना लेने का क्या है क्योंकि हमें 1 ही रूम में चिल करना है और हमें अर्ली मॉर्निंग कल निकल भी जाना है, तो कोई वर्थ इट नहीं था 2 रूम लेकर, तो काफ़ी सर्च किया और हमें इजली मिल भी गया रूम, तो चलिए मैं आपको रूम टूर कराता हूँ कि अपना रूम कैसा है, नो डाउट बड़ा है देखो आप। तो भाई फाइनली एंटर करते हमें दिख जाता है ये अपना पहले बेड, साइड में ये सोफ़ा भी लगा हुआ है और ये स्टडी टेबल
एलईडी पैनल राइट साइड को। वैसे रूम कैसे लग रहे हैं मनीष? awesome, बढ़िया है ना, और रीजनेबल प्राइस मिल गया। और हम वैसे 5 लोग हैं तो वैसे नहीं मिल रहा था हमें, कह रहा आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे। तो भाई और ये है अपना मिरर, फ्लैश ऑन क्यों है पता नहीं। ये हमारा है बालकनी व्यू वाला, और अपने होटल के सामने एक ग्रीन ट्री होटल भी है, और वो है अपनी कार पार्क्ड वहाँ पे। ये रोड में कुछ काम वाम चल रहा है। और ये है अपना वॉशरूम बेसिक सा। अबे कह रही हो कि डे चल रहा है, नहीं चलता, यहाँ चल रहा है डे, शुरू हो जाओ। ज्यादा नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। गाइस फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है, रूम टूर आपने ले लिया है, तो फटाफट से होते फ्रेश। आज का व्लॉग होते यहीं पर एंड। बेसिकली ये पार्ट 2 में आने वाली है प्रॉपर व्लॉग। तो ये था पार्ट 1, तो आपसे मिलते पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।